Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी रिमेनिंग स्लाइड्स को प्रोसीड करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमें मेमोरी मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मेमोरी को क्यों मैनेज किया जाता है, ताकि हम उसके यूज को ऑप्टिमाइज कर सके, यानी कि मेमोरी का बेस्ट यूज कर सके। ठीक है, मेमोरी में तमाम इंस्ट्रक्शंस या डाटा एग्जीक्यूशन से पहले लोड होते हैं और तब तक लोड रहते हैं जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन करती है कि मेमोरी में क्या है, यानी कि मेमोरी में किस तरह का डाटा पड़ा है, सीपीयू कैसा डाटा मेमोरी में राइट करवा रहा है, या सीपीयू अगर कोई डाटा फेच कर रहा है तो वो किस किस्म का डाटा है, या सीपीयू किसी डाटा को अपडेट कर रहा है तो वो कौन सा डाटा है जिसको वो अपडेट कर रहा है। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन करेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब हम मेमोरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी के उस पार्ट का ट्रैक रखती है जो करंटली यूज हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम 1 है हमारी मेमोरी में, उसको सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका ट्रैक किसके पास होगा, मेमोरी मैनेजमेंट के पास। और कौन यूज कर रहा है इस बात का ट्रैक भी मेमोरी मैनेजमेंट रखेगी। अब कौन यूज कर रहा है इसमें क्या आ जाएगा, क्या सीपीयू यूज कर रहा है, क्या कोई पर्सन यूज कर रहा है यानी कि यूजर, तो मेमोरी का पोर्शन कौन यूज कर रहा है इसका ट्रैक किसके पास होगा, मेमोरी मैनेजमेंट के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस एंड डाटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी। कौन सा डाटा मेन मेमोरी में आ रहा है और कौन सा डाटा फेच किया जा रहा है इसका रिकॉर्ड भी मेमोरी मैनेजमेंट के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड। एलोकेटिंग का मतलब ये है कि जब आपने कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड करना होता है तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन को एलोकेट करते हो, यानी कि उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ही वो प्रोग्राम लोड होता है, तो ये एलोकेशन मेन मेमोरी करेगी। एंड डी एलोकेटिंग का मतलब ये है कि जब आपने किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में ट्रांसमिट करवाना होता है तो उसको डी एलोकेटिंग कहते हैं कि मेमोरी से अब वो डी एलोकेट हो रहा है, तो ये एक्टिविटी भी मेमोरी मैनेजमेंट परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे रैम की बात हुई है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो प्रोग्राम्स लोड होंगे जिनको सीपीयू ने करंटली यूज करना है, और रिमेनिंग पोर्शन कहाँ होगा, हार्ड डिस्क में होगा। और जो पोर्शन हार्ड डिस्क में होगा उस पोर्शन को हम वर्चुअल मेमोरी का नाम देंगे, यानी कि हार्ड डिस्क का वो एरिया जिसमें प्रोग्राम्स के रिमेनिंग पेजेस या रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस स्टोर हैं उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क का वो एरिया जो वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज हो रहा है हम उसको स्वैप फाइल कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन इस पॉइंट में पेज की है। पेज किसे कहते हैं, वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो आप स्वैप कर सकते हो एक गिवन टाइम में उसको हम पेज कहेंगे, राइट। एंड व्हाट इज पेजिंग, जिस डेटा या जिस प्रोग्राम्स को आप स्वैप करते हो मेमोरी एंड हार्ड डिस्क के दरमियान उसको आप पेजिंग कहेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज थ्रैशिंग। यहाँ पे थ्रैशिंग की डेफिनेशन है। थ्रैशिंग होता क्या है इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, आपके पास मेन मेमोरी है, उसमें आपके पास बाज़ुकात पूरा प्रोग्राम लोड हो जाता है, बाज़ुकात पेजेस की फॉर्म में लोड होता है, तो जो पेजेस होते हैं मेन मेमोरी में वो लोड होते हैं जिनकी सीपीयू को जरूरत होती है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है आपके प्रोग्राम का यानी कि एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आपकी लोड होती है हार्ड डिस्क में। बाज़ुकात ऐसा होता है कि रॉन्ग पेज मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, ऐसा पेज जिसकी सीपीयू को जरूरत ही नहीं थी, तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम को उस पेज को
मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में मूव करवाना पड़ेगा और हार्ड डिस्क से अपना रिक्वायर्ड पेज उठा के मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके पास एग्जीक्यूट हुआ देन वो यूजलेस हो गया मेमोरी में, यानी कि सीपीयू ने उसको दोबारा कॉल ही नहीं किया। मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी थी या साइज था वो फुल था, यानी कि आप मजीद कोई प्रोग्राम लोड नहीं कर सकते मेन मेमोरी में। अब आपने एक प्रोग्राम भी लोड करवाना है तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी ऐसे प्रोग्राम को मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में मूव करना पड़ेगा जो यूजलेस होगा सीपीयू के लिए, और उसकी जगह एक न्यू प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ गया, राइट? लेकिन कुछ ही देर गुजरने के बाद आपको उस प्रोग्राम की दोबारा जरूरत पड़ी तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में वो प्रोग्राम लोड करना पड़ेगा, उस पर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? सीपीयू भी वेट करेगा कि कब मेरा रिक्वायर्ड प्रोग्राम आए और कब मैं एग्जीक्यूशन करूँ। तो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है पेजेस को मूव करने में बिटवीन हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी, इसको हम थ्रैशिंग कहेंगे, राइट? आगे मूव करते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोरेज का एक लॉजिकल एंड यूनिफॉर्म व्यू प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फाइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन फाइल नेम, फाइल टाइप, फाइल साइज, ठीक है? इसको कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच मीडियम इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइस। हर मीडियम को एक डिवाइस कंट्रोल करेगी, जैसे कि आपके पास डिस्क ड्राइव है तो वो डिस्क को कंट्रोल करेगी, टेप ड्राइव है तो वो टेप को कंट्रोल करेगी। जैसे हमने डिस्क कंट्रोलर नहीं पढ़ा था, बिल्कुल वैसा कि डिस्क कंट्रोलर डिस्क को कंट्रोल करता है एंड यूएसबी कंट्रोलर माउस कीबोर्ड प्रिंटर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही सेम मीनिंग है, ठीक है? यानी कि हर स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस कंट्रोलर होगा। वेरिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड एक्सेस स्पीड, कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफर रेट, एक्सेस मेथड। अब इसमें फर्दर प्रॉपर्टीज का जिक्र है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीजों को रिकॉर्ड करेगा, कि किसी फाइल को एक्सेस करने की स्पीड क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसका रेट क्या है, एक्सेस मेथड क्या है, यानी कि डेटा को सिक्वेंशली एक्सेस किया जा रहा है कि रैंडम, राइट? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। फाइल में क्या होता है? डेटा होता है, और वो कौन डिफाइन करता है? डेटा कौन लिखता है? क्रिएटर लिखता है, ठीक हो गया? देन है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में क्या होता है? फाइल्स यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज। फाइल डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज की जाती है। एक्सेस कंट्रोल ऑन मोस्ट सिस्टम्स टू डिटरमिन हु कैन एक्सेस व्हाट। एक्सेस कंट्रोल क्या डिटरमिन करता है? कि किस फाइल को कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, यानी कि ऑथराइज यूजर है कि नहीं, क्या उसके पास राइट्स हैं उस फाइल को एक्सेस करने के, ठीक हो गया? देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज इंक्लूड। अगर हम स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या एक्टिविटीज है? वो फाइल को क्रिएट करेगा एंड डिलीट करेगा, इसी तरह वो डायरेक्टरीज को क्रिएट करेगा एंड डिलीट करेगा। देन प्रिमिटिव्स टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब उन फाइल्स को और डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट भी करेगा। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि यूजर कोई अपडेशन करता है तो उस अपडेशन को स्टोर करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, और जो आपकी फाइल्स या फोल्डर्स होंगे उनको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करवाएगा। नेक्स्ट, मैस स्टोरेज मैनेजमेंट। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है? एक लार्ज स्टोरेज मीडिया है, ठीक है, जिसको सीपीयू एक्सेस कर सकता है। सीपीयू मेन मेमोरी को क्यों एक्सेस करता है? अपने प्रोग्राम्स को फेच करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए, क्योंकि सीपीयू का काम ही ये है कि इंस्ट्रक्शन फेच करे और एग्जीक्यूट करे, ठीक है? तो एक लार्ज स्टोरेज मीडिया है मेन मेमोरी। देन व्हाई यूजिंग डिस्क। अच्छा, अगर मेन मेमोरी लार्ज स्टोरेज मीडिया है तो डिस्क की जरूरत क्यों है? देखिए,
सारा डाटा तो मेन मेमोरी में फिट नहीं ना आ सकता। अभी हमने पढ़ा के हम पेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सारा डाटा मेन मेमोरी में फिट नहीं आता, तो जो हमारे मोस्ट रेलिवेंट पेजेस होते हैं हम उनको मेन मेमोरी में रख देते हैं और बाकी डाटा हार्ड डिस्क में होता है, तो डिस्क की जरूरत तो पड़ेगी। सेकेंडली, डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है ना वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि परमानेंटली स्टोर होता है, जबकि मेन मेमोरी में सिर्फ वो डाटा स्टोर होता है जो आपने करंटली एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, टेम्परेरी डाटा। प्रॉपर मैनेजमेंट इज ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस, ताकि डाटा को अच्छी तरह मैनेज किया जा सके। कुछ डाटा मेन मेमोरी में आ जाएगा, कुछ हार्ड डिस्क में आ जाएगा, कुछ कैशे में आ जाएगा, कुछ रजिस्टर में आ जाएगा, तो अच्छा मैनेज हो जाएगा डाटा, ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज क्या है कि वो फ्री स्पेस को मैनेज करेगा, यानी कि वो मैनेज करेगा कि जितनी फ्री स्पेस सेव कर सकता है कर ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर हो सके। स्टोरेज एलोकेशन करेगा, प्रोग्राम्स को स्टोर करवाएगा, उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन असाइन करेगा स्टोरेज के लिए, राइट। एंड डिस्क स्केड्यूलिंग, और डिस्क की स्केड्यूलिंग करेगा, राइट। नाउ हियर इज स्टोरेज स्ट्रक्चर, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। अगर हम मेन मेमोरी के साइज की बात करें ना, तो हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है ना, उसका साइज मेन मेमोरी के साइज से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन का वर्ड यूज हुआ है कि मेन मेमोरी से लार्जर स्टोरेज एरिया जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, यानी कि परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। देन मैग्नेटिक डिस्क है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक रिजिड मेटल या ग्लास प्लेटर से कवर हुई एक डिस्क होती है, ठीक है। डिस्क सरफेस इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, जो डिस्क होती है अगर आप उसको गौर से देखें ना, कोई सीडी को, तो वो डिवाइड होती है ट्रैक्स में, और ट्रैक्स किस में डिवाइड होते हैं, सेक्टर्स में, ठीक है। और डिस्क कंट्रोलर क्या करती है, डिस्क को कंट्रोल करती है। डिटरमिन द लॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर, जब आप कोई डिस्क डालते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो कंप्यूटर उसके साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि उधर से डाटा फेच करेगा, तो वो इंटरेक्शन ही हुई ना, तो डिस्क कंट्रोलर इस चीज में हेल्प करेगा कि कंप्यूटर सिस्टम डिस्क के साथ इंटरेक्ट कर सके। ओके व्यूवर्स, अब हम स्टोरेज हायरार्की को डिस्कस करेंगे। स्टोरेज हायरार्की में आपने इस डायग्राम पे फोकस करना है एंड इस एरो पे फोकस करना है। एरो की डायरेक्शन देखें, अपवर्ड है, यानी कि जो सबसे ऊपर रिसोर्स है ये एक्सपेंसिव है लेकिन फास्टर है, और जो सेकंड रिसोर्स है ये रजिस्टर से कम फास्टर है और कम एक्सपेंसिव है। इसी तरह जो थर्ड रिसोर्स है मेन मेमोरी, ये रजिस्टर एंड कैशे से कम फास्टर है, यानी कि स्लो है एंड लेस एक्सपेंसिव है। देन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क is less expensive as compared to register, cache and main memory. तो इस तरह आप इसको understand कर सकते हैं, right? अब यहाँ पे एक और चीज आप consider करें कि magnetic tapes का जो size है वो larger है, then optical disc का जो size है वो magnetic tape से smaller है, and magnetic disc का उससे smaller है, electronic disc का उससे smaller है, एंड देन मेन मेमोरी का साइज स्मॉलर है, कैशे का मेन मेमोरी से भी स्मॉलर है, एंड रजिस्टर का सबसे स्मॉलर साइज है। अगर हम स्पीड की बात करें, कॉस्ट की बात कर चुके हैं, स्पीड की बात करें, तो सीपीयू अगर रजिस्टर को एक्सेस करता है ना तो फास्टली एक्सेस करेगा, लेकिन अगर वो कैशे को एक्सेस करता है तो फास्ट, मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा तो स्लोली करेगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क को करेगा तो और भी ज्यादा स्लोली एक्सेस करेगा, इसी तरह मैग्नेटिक डिस्क को करेगा तो और भी ज्यादा स्लोली करेगा, एंड सो ऑन। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, वॉलेटिलिटी, रजिस्टर्स है, कैशे है एंड मेन मेमोरी है, ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस है, इनमें डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, इनमें डाटा परमानेंटली स्टोर करवाया जाता है, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है कैशे। कैशे को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। देखिए, एक प्रोग्राम है
मेन मेमोरी में लोड है, सीपीयू ने वो प्रोग्राम फर्स्ट टाइम यूज किया है, यानी कि उसे फेच किया है, एग्जीक्यूट किया है। जैसे उसने एग्जीक्यूट कर लिया है ना, उसकी एक कॉपी कैशे में आ गई है। अब अगर सीपीयू को वही सेम प्रोग्राम सेकेंड टाइम चाहिए, यानी कि सेकेंड टाइम उसे एक्सेस करना है, तो फास्टली एक्सेस कर लेगा, क्योंकि हमने पहले ही रीड कर लिया है कि सीपीयू कैशे से ज्यादा फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, राइट। तो पहली दफा एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा, उसे हाफ दूसरी दफा एक्सेस करने में लगेगा। क्यों? क्योंकि कैशे से डेटा को एक्सेस किया जा रहा है। अब सेकंड बात करते हैं कैशे हिट और कैशे मिस की। अगर आपको आपका रिक्वायर्ड डेटा कैशे में मिल जाता है तो कैशे हिट है, अगर नहीं मिलता तो कैशे मिस है। कैशे मिस है तो क्या करना है? अब कैशे में नहीं मिला तो मेन मेमोरी की तरफ जाए, मेन मेमोरी में ढूंढे, वहां भी नहीं मिलता तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ जाए, हार्ड डिस्क की तरफ जाए, वहां पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोरेज एरिया है, ठीक है। अब आपने अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ट्रांसमिट करवाया और मेन मेमोरी से देन कैशे में ट्रांसमिट करवाया, और सीपीयू फिर कैशे से एक्सेस करेगा, ठीक हो गया। तो अब इसको हम स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। कॉपिंग इंफॉर्मेशन इनटू फास्टर स्टोरेज सिस्टम। कैशे जो है एक फास्टर स्टोरेज सिस्टम है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है। मेन मेमोरी कैन बी व्यूड, मेन मेमोरी की तरफ भी जाया जा सकता है इन केस ऑफ कैशे मिस, ठीक है, एज अ लास्ट कैशे फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। और अगर मेन मेमोरी में आपको अपना रिक्वायर्ड डाटा नहीं मिले तो आप सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ मूव कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स परफॉर्म्ड एट मेनी लेवल्स इन अ कंप्यूटर। देखिए, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हर लेवल पे परफॉर्म होते हैं। कैशे में जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है। कैशे एक फास्टर स्टोरेज रिसोर्स है, ठीक है। सबसे पहले कैशे में डाटा को चेक किया जाता है, अगर वहां ना मिले तो आप मेन मेमोरी की तरफ मूव करते हैं और वहां से डाटा फिर कैशे में कॉपी करवाते हैं और एक्सेस करते हैं। कैशे एक स्मॉलर स्टोरेज एरिया है। कैशे को मैनेज करना एक इम्पोर्टेंट डिजाइन प्रॉब्लम है, यानी कि कैशे को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उसको आप एफिशिएंट वे में मैनेज कर सकें, ठीक है। कैशे साइज एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी का मतलब ये है कि कैशे के लेवल्स पे जो भी डाटा स्टोर होता है आपको उसे रिप्लेस भी करना होता है, यानी कि जो प्रोग्राम या जो इंस्ट्रक्शन आपको नहीं चाहिए वो आप कैशे से मेन मेमोरी में भेज दें और जो चाहिए वो मेन मेमोरी से कैशे में लोड करवा लें, ठीक हो गया। ये है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ स्टोरेज, इसको आप एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके व्यूवर्स, अब हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आईओ डिवाइसेस की स्पीड को इंक्रीज किया जाता है बाय डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर। इतना इंक्रीज कर दिया जाता है कि इनपुट एंड आउटपुट के ऑपरेशंस को उतनी स्पीड पे परफॉर्म करवाया जा सके जितनी स्पीड मेमोरी की होती है, राइट। इसकी गुड एग्जांपल क्या है? टेप एंड डिस्क। एंड बैड एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ डेटा। के डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर करता है ब्लॉक्स ऑफ डेटा को बफर स्टोरेज से मेन मेमोरी में विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि सीपीयू डेटा को मूव करवाता है लोकल बफर से मेन मेमोरी में। बात यहाँ पे सेम है, इंटरवेंशन नहीं है, यानी कि सीपीयू का कोई रोल नहीं है, डिवाइस कंट्रोलर का यहाँ पे रोल है, वही बफर स्टोरेज से मेन मेमोरी में डेटा को लोड करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक। पर ब्लॉक एक इंटरप्ट जनरेट होगा रादर देन द वन इंटरप्ट पर बाइट, बजाय इसके कि एक बाइट पे एक इंटरप्ट जनरेट हो। इसका क्या मतलब है? इसको इस तरह डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू के मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक टीचर है। अब टीचर को वो सारे बच्चे बारी बारी आके अपना टेस्ट सबमिट करवा रहे हैं, राइट। तो टीचर बार बार इंटरप्ट हो रहा है। ये बेटर है या इससे बेटर ये है कि सारे बच्चे अपना टेस्ट सीआर को सबमिट करवाएं और सीआर टीचर को सबमिट करवा दें,
ताकि टीचर को एक ही दफा इंटरप्ट फेस करना पड़े, तो ये ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि टीचर बार बार इंटरप्ट फेस करे। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि एक ब्लॉक पे इंटरप्ट जनरेट होता है बजाय इसके कि बाइट पे इंटरप्ट जनरेट हो, मल्टीपल बाइट्स को मिला के ब्लॉक बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ अ मॉडर्न कंप्यूटर वर्क। मॉडर्न कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके वर्क करता है। ये DMA यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा है। ये आपका CPU है, साइड पे कैशे है, ये आपकी मेमोरी है जिसमें इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल हो रही है, यानी कि CPU यहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है, एंड देन डाटा मूवमेंट हो रही है। मेन डाटा भी यहाँ से CPU पे ट्रांसमिट होता है और एग्जीक्यूशन के बाद जो भी डाटा अपडेट होना है वो CPU मेमोरी में डायरेक्टली अपडेट कर देता है। CPU को एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरप्ट भी फेस करना पड़ सकता है, वो डाटा के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी कि कोई इनपुट चाहिए या मेमोरी से कोई डाटा एक्सेस करना है, तो डिवाइस के थ्रू आप मेमोरी से डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। मोर अगर IO रिक्वेस्ट हो, कोई CPU ने इंटरप्ट हैंडल करने के लिए किसी IO की रिक्वेस्ट की हो, तो भी वो डिवाइस को ही रिक्वेस्ट करेगा और डिवाइस उसे IO डिवाइस असाइन करेगी, ठीक है, और ये ही डिवाइस इंटरप्ट को हैंडल करवाएगी और यही डिवाइस इनपुट प्रोवाइड करेगी, यानी कि ये डिवाइस कीबोर्ड डिवाइस भी हो सकती है जो इनपुट प्रोवाइड कर रही है CPU को। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन आई जिसमें इनपुट देने की जरूरत थी ना, तो डिवाइस के थ्रू ही इनपुट देंगे ना, ठीक है, या आपने मॉनिटर पे कोई डाटा शो करवाना है, कोई आउटपुट देनी है, तभी आपको डिवाइस के थ्रू ही आउटपुट डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे हो सकती हैं, तो हम इसको खाली डिवाइस का नाम देंगे, हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि ये कीबोर्ड है या प्रिंटर है या मॉनिटर है। इट्स जस्ट अ डिवाइस, यू कैन अज्यूम एनी डिवाइस इन दैट प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ जॉब्स है, जॉब्स यहाँ पे क्या है, प्रोसेसेस है, प्रोग्राम्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड जॉब पूल। ग्रुप ऑफ जॉब्स है यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, और उनको हम क्या कहते हैं, जॉब पूल कहते हैं। देन मल्टी प्रोग्रामिंग नीडेड फॉर एफिशिएंसी। सिंगल यूजर कैन नॉट कीप CPU एंड IO डिवाइस बिजी एट ऑल टाइम। आपको पता है कि अगर एक यूजर है और वही कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा है, तो क्या हर वक्त CPU और IO डिवाइस को बिजी रख सकता है, नहीं रख सकता, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मल्टीपल जॉब्स होती हैं जो CPU को हर वक्त बिजी रखती है। CPU के पास हर वक्त कोई ना कोई जॉब होती है जो उसने एग्जीक्यूट करनी होती है। नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम यानी कि यूनि प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके पास एक प्रोग्राम होता है यानी कि जॉब होती है, अगर तो इंटरप्ट आ जाए उसको एग्जीक्यूट करते हुए, तो IO डिवाइस का वेट करना पड़ता है। जितनी देर में IO डिवाइस का वेट होता है, देन CPU को भी वेट करना पड़ता है। CPU की परफॉर्मेंस सफर करती है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, कि CPU की परफॉर्मेंस इंटरप्ट की वजह से सफर कर जाती है क्योंकि उसे टाइमली IO डिवाइस असाइन नहीं होती, राइट। अ सबसेट ऑफ टोटल जॉब्स इन अ सिस्टम इज कैप्ट इन मेमोरी। आपको पता है कि जॉब्स यानी कि वो प्रोसेसेस जो आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं वो मेमोरी में लोड किए जाते हैं। वन जॉब सिलेक्टेड, एक जॉब को सिलेक्ट किया जाता है एंड रन वाया जॉब स्केड्यूलिंग। जॉब स्केड्यूलिंग का मतलब ये है कि पहले कौन सा प्रोसेस CPU पे ट्रांसमिट होगा, CPU पहले कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ये डिसीजन जॉब स्केड्यूलिंग के थ्रू होता है, ठीक है। हमने यूनि प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि जब इंटरप्ट आता है CPU वेट करता है कि वो इंटरप्ट हैंडल करवाएगा, देन रिमेनिंग एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक जॉब है जिसपे इंटरप्ट आया है, तो CPU जब तक उस इंस्ट्रक्शन के लिए या जॉब के लिए IO डिवाइस असाइन नहीं होती, किसी दूसरी जॉब को एक्सेस करेगा एंड उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, और जब उसको प्रीवियस जॉब के लिए इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल आएगी, तो वो उसको जाके हैंडल करेगा एंड देन उस जॉब की रिमेनिंग एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए मेमोरी का लेआउट है,
ये आप देख सकते हैं कि मेन मेमोरी है, इसका साइज 0 से 512 के दरमियान है। ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन मेमोरी में लोड, आपको पता है कि जो मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी पार्ट लोड होता है उसको हम कर्नल कहते हैं। एंड मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो मेन मेमोरी में लोड है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूशन स्लाइड है, इसमें हम टाइम शेयरिंग की बात करेंगे। टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि मल्टी टास्किंग हो रही है, आपकी कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल जॉब्स हैं, ठीक है, उनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। अब हम टाइम स्केड्यूलिंग कर लेंगे। टाइम स्केड्यूलिंग का मतलब ये है कि इतने टाइम के लिए ये वाली जॉब एग्जीक्यूट होगी, जब उसका टाइम आउट हो जाएगा तो सीपीयू दूसरी जॉब को असाइन हो जाएगा, देन सीपीयू उस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, जब दूसरी जॉब का टाइम आउट हो जाएगा देन सीपीयू तीसरी जॉब को एक्सेस कर लेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब उसका टाइम आउट हो जाएगा तो जॉब 4 पे आ जाएगा। तो ये टाइम स्केड्यूलिंग चल रही है, ठीक है, कि हर जॉब एक फिक्स टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, जब उसका टाइम आउट होता है तो सीपीयू का कंट्रोल दूसरी जॉब की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पे हमने टाइम शेयरिंग कर दिया मल्टीपल जॉब्स के दरमियान, राइट। और यूजर्स जो हैं वो एट द सेम टाइम उन जॉब्स के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि इनपुट दे रहे हैं, राइट। देन अ रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपका लेस देन 1 सेकेंड होना चाहिए। ईच यूजर हैज एटलीस्ट 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी, हर यूजर के पास एटलीस्ट एक प्रोग्राम तो होता ही है जो उसने एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है, और जब वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। देन यहाँ पे ये बात डिस्कस की गई है कि सीपीयू स्केड्यूलिंग की हेल्प ली जाती है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी जॉब किस बेस पे सीपीयू पे ट्रांसमिट करवाई जाएगी। हमने 4 टाइप्स की सीपीयू स्केड्यूलिंग पढ़ी थी, एक फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, एक राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस एंड शॉर्ट जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही सिनेरियो है कि किस जॉब को पहले सीपीयू पे ट्रांसमिट करवाना है, ये सीपीयू स्केड्यूलिंग डिसाइड करेगी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ प्रोसेसेस डोंट फिट इन मेमोरी, अगर तो आपके प्रोग्राम्स मेमोरी में फिट नहीं आ रहे तो स्वैपिंग की जाएगी। स्वैपिंग में क्या होगा कि कुछ प्रोग्राम का पोर्शन मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा और कुछ वर्चुअल मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि वर्चुअल मेमोरी यूटिलाइज होगी रिमेनिंग पार्ट को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन, यानी कि ये इंटरप्ट को हैंडल कर सकता है। इफ देयर आर नो प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट, अगर कोई प्रोसेस है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई आईओ डिवाइस नहीं है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई यूजर नहीं है जिसको रिस्पॉन्ड किया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल ही कह लें कि यूजलेस रहेगा, उसके पास तो कोई जॉब ही नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो इवेंट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सिग्नल्ड बाय द अकरेंस ऑफ एन इंटरप्ट और अ ट्रैप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क तब परफॉर्म होता है जब हमारे पास इंटरप्ट या ट्रैप अकर होता है। अब इंटरप्ट को तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, ट्रैप को डिस्कस करते हैं। ट्रैप एक ऐसे एरर को कहते हैं जो आपके पास अकर होता है जब प्रोग्राम में कोई अनडिफाइंड ऑपरेशन हो, लाइक डिवीजन बाय जीरो, या फिर कोई ऐसी रिक्वेस्ट यूजर ने की हो जो फुलफिल नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसको हम ट्रैप कहते हैं। कि प्रोग्राम में इंफिनिट लूप हो या प्रोसेसेस एक दूसरे को मॉडिफाई करना शुरू कर दें या ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग में कोई इंटरप्शन लाएं, तो वो भी ट्रैप है। नेक्स्ट मूव करते हैं ड्यूअल मोड ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो वी मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड यूजर डिफाइंड कोड, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड यूजर डिफाइंड कोड में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एट द वेरी लीस्ट वी नीड टू सेपरेट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोड को एंड यूजर डिफाइंड कोड को सेपरेट कर लेना चाहिए। तो जो यूजर डिफाइंड कोड है उसको हम कहते हैं कि ये यूजर मोड है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोड है उसको हम कहेंगे कि ये कर्नल मोड है, ठीक है। अ बिट कॉल्ड द मोड बिट, बिट को हम क्या नाम दे रहे हैं कि मोड बिट है ये, इज एडेड टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर टू इंडिकेट द करंट मोड,
अगर तो हम कर्नल मोड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो मोड बिट होगी वो जीरो होगी, और अगर हम यूजर मोड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो मोड बिट होगी वो वन होगी, राइट? ओके व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड, कि यूजर मोड से कर्नल मोड में ट्रांजिशन कैसे होती है, यानी कि एक मोड से दूसरे मोड में कैसे ट्रांसमिट हुआ जाता है। ड्यूअल मोड ऑपरेशन अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट्स। ड्यूअल मोड ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करे और सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट्स को भी प्रोटेक्ट करे। हमने यूजर मोड एंड कर्नल मोड प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर हमारी मोड बिट जीरो है तो वो कर्नल मोड है, और अगर मोड बिट वन है तो वो यूजर मोड है। देन है मोड बिट प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर। मोड बिट प्रोवाइड कौन करता है? हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वन सिस्टम इज रनिंग यूजर कोड और कर्नल कोड। ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें यूजर मोड एंड कर्नल मोड के दरमियान यूजर कोड और कर्नल कोड रन हो रहे हैं उस सिस्टम में। तो मोड बिट के जरिए ही हमें पता चलेगा ना कि कौन सा मोड रन हो रहा है, यूजर मोड है कि कर्नल मोड है, राइट? सम इंस्ट्रक्शन डिजाइनेटेड एज प्रिविलेज्ड ओनली एग्जीक्यूटेबल इन कर्नल मोड। कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सिर्फ कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट हो सकती हैं। सिस्टम कॉल चेंजेस मोड टू कर्नल रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट इट टू यूजर। सिस्टम कॉल मोड को चेंज कर देता है कर्नल में, रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट इट टू यूजर। और कर्नल मोड से यूजर मोड में कब आता है इसको हम डायग्राम से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको ये पॉइंट डायग्राम से क्लियर होगा। देखिए, एक प्रोसेस था, वो एग्जीक्यूट हो रहा था। एग्जीक्यूट होते वक्त सिस्टम कॉल गई, ठीक है। जैसे ही सिस्टम कॉल गई तो जो यूजर प्रोग्राम था वो कर्नल मोड में आ गया, ठीक है। सिस्टम कॉल ने क्या किया, चेंज कर दिया मोड को, यानी कि यूजर मोड से कर्नल मोड में ट्रांजिशन हो गई। किसकी वजह से हुई? सिस्टम कॉल की वजह से हुई। तो हमारी बिट क्या होगी? चेंज हो गई, क्योंकि कर्नल मोड में बिट क्या होती है? जीरो। तो मोड बिट क्या हो गई? जीरो। एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया गया और दोबारा से ट्रांजिशन हो गई रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल से जब दोबारा से ट्रांजिशन हुई, यानी कि रिटर्न हुए हम कर्नल मोड से यूजर मोड में, तो मोड बिट क्या हो गई? वन, क्योंकि यूजर मोड की बिट क्या होती है? वन होती है। ये यहाँ पे साइड पे भी लिखा हुआ है कि यूजर मोड के लिए मोड बिट वन होती है एंड कर्नल मोड के लिए मोड बिट जीरो होती है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड बी प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? जिन्हें सिर्फ कर्नल के पार्ट में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो कौन सी होंगी? ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर मेमोरी, टर्न ऑफ इंटरप्ट्स, मॉडिफाई एंट्रीज इन डिवाइस स्टेटस टेबल, एक्सेस आईओ डिवाइस, ये प्रिविलेज्ड है। CE, F and H, right? Next move करते हैं। Process management. Process management means program को manage करना। इसको read करते हैं। आपको पता है कि जब program execution की state में होता है तो उसे process कहते हैं, यानी कि program कब active होता है? जब वो process की form में होता है। वरना program क्या होता है? एक passive entity होती है जो कि hard disk में store होती है, active नहीं होती, right? जबकि प्रोसेस क्या है? एक एक्टिव एंटिटी है। अगर आपसे पूछे कि प्रोसेस कैसी एंटिटी है तो आप बता सकते हैं कि प्रोसेस एक्टिव एंटिटी है और प्रोग्राम पैसिव एंटिटी है, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेम्बर इट। सेकेंड पॉइंट इज प्रोसेस नीड रिसोर्सेज टू कॉम्प्लिश इट टास्क। आपको पता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करते हैं, लाइक सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी क्या करती है? प्रोसेस को डाटा प्रोवाइड करती है। आईओ डिवाइस क्या करती है? इनपुट और आउटपुट देती है, ठीक है। फाइल्स क्या करती हैं? फाइल्स में डाटा स्टोर होता है जिसे हम रिसीव करते हैं या रिट्रीव करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन डाटा,
डाटा को इनिशियलाइज किया जाता है किसी ना किसी भी सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फाइल ओपन की है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। कीबोर्ड के थ्रू, एक रिसोर्स के थ्रू डाटा को इनिशियलाइज, डाटा को एंटर करवाना शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स रिक्लेम ऑफ एनी रीयूजेबल रिसोर्स। देखिए, जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है ना, यानी कि एग्जीक्यूट हो गया, अब उसने टर्मिनेट होना है, डी एलोकेट होना है, तो डी एलोकेट होने से पहले वो रिसोर्सेज जो यूज कर रहा होता है ना, उनको वापस कर देता है, ठीक है, उनको रिलीव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। थ्रेड प्रोसेस कौन से होते हैं? थ्रेडेड प्रोसेस का मतलब एक प्रोसेस के अंदर जो स्मॉलर प्रोसेसेस होते हैं उनको हम थ्रेडेड प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, पीसी। पीसी कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, राइट। प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली। आपको पता है कि एक प्रोग्राम है, उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी होगी, ठीक है। आगे है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड। अगर हम मल्टीपल प्रोसेसेस की बात करें, स्मॉलर प्रोसेसेस की, तो हर प्रोसेस का एक थ्रेड पे प्रोग्राम काउंटर होगा, जैसे कि हर इंस्ट्रक्शन पे एक पीसी होता है, राइट। कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पीसी इंडिकेट करता है। इसी तरह एक थ्रेड एग्जीक्यूट किया तो नेक्स्ट थ्रेड को पीसी इंडिकेट करेगा बाय शोइंग द एड्रेस ऑफ दैट थ्रेड, राइट। देन द लास्ट पॉइंट इज टिपिकली सिस्टम हैज मेनी प्रोसेसेस। आपको पता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सम यूजर, कुछ यूजर्स होते हैं, सम ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग कंकरेंटली ऑन वन और मोर सीपीयूज। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो रन कर रहे होते हैं एक या एक से ज्यादा प्रोसेसर्स के ऊपर। कंकरेंसी बाय मल्टीप्लेक्सिंग द सीपीयूज अमंग द प्रोसेसेस थ्रेड्स। जितने ज्यादा आपके प्रोसेसर्स अटैच होंगे, उतनी ही आप मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकते हैं एट अ टाइम, उतने ही प्रोसेसेस या थ्रेड्स को, थ्रेड्स मीन माइनर प्रोग्राम्स, उनको आप रन कर सकते हैं। अब थ्रेड्स होते क्या है, माइनर प्रोग्राम्स। लाइक आपके पास एक प्रोग्राम है एमएस वर्ड, उसके अंदर आपकी जो स्पेलिंग चेकर है इट इज अ माइनर प्रोग्राम, आपका जो ग्रामर चेकर है वो थ्रेड है आपका, इसके अलावा आपकी जो अंडरलाइंग फीचर है वो आपकी थ्रेड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके व्यूवर्स, अब हम प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। ये कुछ 5 एक्टिविटीज हैं। ये प्रोसेसेस को क्रिएट एंड डिलीट करता है, ठीक है। प्रोसेसेस को क्रिएट एंड डिलीट करने के साथ साथ यूजर्स को भी क्रिएट एंड डिलीट करता है। लाइक एक यूजर है, ठीक है, वो कंप्यूटर पे कोई वर्किंग कर रहा है, एट द सेम टाइम दो और यूजर्स कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं। जब एक यूजर अपने प्रोग्राम को बंद कर देगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास उस यूजर का ट्रैक रिकॉर्ड कर देगा कि अब इसने वर्किंग करना बंद कर दी है, तो डेट इज कॉल्ड डिलीटिंग यूजर। इसी तरह उसकी जगह एक नया यूजर आया, उसने काम करना शुरू किया, कुछ प्रोग्राम्स रन करवाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका भी ट्रैक रखेगा कि इस यूजर ने काम करना शुरू किया है, ये कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ये सारा ट्रैक किसके पास होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो डेट इज कॉल्ड क्रिएटिंग यूजर, ठीक है। आगे बात करते हैं सस्पेंडिंग। सस्पेंडिंग का मतलब होता है टर्मिनेट करना, खत्म कर देना, डी एलोकेट कर देना मेमोरी से, ठीक है, प्रोसेस को। एंड रिज्यूमिंग का मतलब है कि रीस्टार्ट करना, जैसे कि आपके पास एक प्रोग्राम आया, इंटरप्ट आया, सीपीयू ने क्या किया कि अपनी जॉब स्विच कर ली, यानी कि प्रोसेस को स्विच कर लिया। अब जब तक वो इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल नहीं आई, सीपीयू ने दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। जैसे ही इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल आई तो सीपीयू प्रीवियस जॉब के पास चला गया या प्रोसेस के पास चला गया एंड उसको रिज्यूम किया, यानी कि उसकी वर्किंग को रिज्यूम किया, ठीक हो गया।
And the third point is providing mechanisms for process synchronization. Process synchronization क्या होती है हम discuss कर चुके हैं कि किस process को कौन सा resource कब और कैसे allot किया जाएगा, ये indication operating system करता है, ठीक है। Next, providing mechanisms for process communication. हमारे पास मुख्तलिफ programs होते हैं, उनके दरमियान communication होती है। Like एक प्रोसेस है, उसको ऐसा डाटा चाहिए जो आपका दूसरे प्रोसेस में पड़ा है, तो वो डाटा तक एक्सेस कौन प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग के लिए भी ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी कि डेडलॉक को कैसे हैंडल करना है उसकी स्ट्रेटेजी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब डेडलॉक होता क्या है? जब मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेसर्स एट द सेम टाइम सेम रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो हम उसे डेडलॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्रोसेसर P1, P2, P3 है जिसमें प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं P1, P2, P3, ठीक है। तो वो प्रोसेसर P1, P2, P3 एट द सेम टाइम एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेडलॉक स्टेट, ठीक है। तो डेडलॉक को हैंडल कैसे करना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट को रीड करने से बेटर मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझाना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन क्या होती है और सिक्योरिटी क्या होती है। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी फाइल को, अपने डेटा को या अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट इस तरह किया जाता है कि कुछ लोगों को कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं, कुछ को कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं। अगर हम एडमिन की बात करें, एक कंप्यूटर सिस्टम का एडमिन है, उसके पास ज्यादा राइट्स होते हैं एज कम्पेयर टू यूजर, यूजर के पास कम राइट्स होते हैं। तो आपको जितनी राइट्स दिए जाते हैं ना, आप उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। यानी कि एडमिन की जितने राइट्स होंगे वो उनमें रह के काम करेगा, तो वो उसकी प्रोटेक्शन है। यूजर कि जितने राइट्स होंगे वो उन्हीं राइट्स में रह के काम करेगा, तो ये सिस्टम एंड यूजर दोनों की प्रोटेक्शन है। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने अपने डाटा को, आपने अपनी फाइल को या आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योर रखना है। यानी कि कोई वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक ना करे, कोई हैकर आपके डाटा को हैक करने की कोशिश ना करे। तो हम ऐसी सिक्योरिटीज अप्लाई कर देते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या हमारा डाटा या फाइल है उसे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन, वैलिड पर्सन ही एक्सेस करें। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन में वही सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको बताया है कि जिसके जितने राइट्स हैं वो उसी में रह के काम करेगा, तो हमारा सिस्टम भी कंट्रोल में रहेगा और यूजर एंड एडमिन की प्रोटेक्शन भी होगी, उसमें डाटा की प्रोटेक्शन भी होगी, ठीक है। जो यूजर के रेलिवेंट के काम ही नहीं है तो वो यूजर को असाइन करके फायदा क्या है, वो एडमिन कर रहा है, करता रहे, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी को हम यहाँ पे मजीद देखेंगे, डिफेंस ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। ये मैंने आपको बताया है कि जो मलेशियस अटैक्स होते हैं, यानी कि खतरनाक अटैक्स, उनसे आपने अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है, सिक्योर करना होता है। जैसे कि ह्यूज रेंज इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ सर्विस, वॉर्म्स, वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ सर्विस। एंड द लास्ट थिंग और लास्ट मेजर पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट कि जो सिस्टम होता है ना, वो एक यूजर और एडमिन के दरमियान या एक ऑथराइज्ड यूजर एंड अनऑथराइज्ड यूजर के दरमियान डिफरेंशिएट करता है। लाइक कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये एडमिन है कि यूजर? यूजर की आईडी अलहदा होगी, एडमिन की आईडी और पासवर्ड अलहदा होगा, तभी तो सिस्टम डिफरेंशिएट कर सकेगा ना। तो वो वही राइट्स यूजर को देगा जो उसके हिस्से में आते होंगे, वो एडमिन वाले राइट्स यूजर को नहीं देगा। इसी तरह एडमिन वही काम परफॉर्म करेगा जो उसे करना चाहिए, वो यूजर के काम नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हर यूजर की एक आईडी होगी,
एक सिक्योरिटी आईडी और पासवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि यूजर आइडेंटिफाइज, यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है उसकी आईडी से या सिक्योरिटी आईडी से। इंक्लूड नेम, जिसमें उसका नेम होता है, कोई एसोसिएटेड नंबर होता है, वन पर यूजर। ठीक है, हर यूजर का एक नेम होगा एंड साथ उसका पासवर्ड होगा या एसोसिएटेड नंबर होगा। यूजर आईडी देन एसोसिएटेड विद ऑल फाइल्स, हर फाइल के साथ यूजर आईडी को अटैच कर दिया जाएगा। क्यों अटैच किया जाएगा? ताकि वो फाइल सिक्योर है, कोई उसे अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना करे। जब वो यूजर फाइल ओपन करे और अपना पासवर्ड और ईमेल दे, तो फाइल को एक्सेस करने से सिस्टम को पता चल जाए कि ये ऑथराइज यूजर ही है, ये वही यूजर है जिसकी यूजर आईडी मैच कर गई है। तो सिस्टम भी बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएगा कि सिस्टम सिक्योर है, राइट। ग्रुप आइडेंटिफायर यानी कि ग्रुप आईडी, आपको पता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम वर्क कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो किस तरह वर्क कर सकते हैं कि पहले एक यूजर अपने टास्क को परफॉर्म कर ले, फिर दूसरा यूजर अपने टास्क को परफॉर्म करे, यानी कि टाइम एलोकेट कर दिया जाता है कि इतने टाइम में ये वाला यूजर अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा, देन जब उसका टाइम आउट हो जाएगा तो दूसरा यूजर अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकेगा। इस तरह मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम पे वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको एक ग्रुप आईडी असाइन हो जाती है। इसका पर्पस यही है कि सिस्टम को पता चल जाए कि ये ऑथराइज यूजर है, यानी कि कोई इसमें से फेक यूजर नहीं है, कोई हैकर नहीं है, सिस्टम सिक्योर है। बस उस चीज को डिटरमिन करने के लिए ग्रुप आईडी असाइन की जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स में हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, क्लाइंट टू सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं। ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स का जो एनवायरनमेंट है, ये टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है, ब्लरिंग होता जा रहा है। ठीक है, कम होना। ऑफिस एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स यूटिलाइज होते हैं। आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। आपके पास वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। टर्मिनल्स मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर से अटैच होते हैं जो बैच एंड टाइम शेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। हम इसको आगे जाकर स्टडी करेंगे कि बैच एंड टाइम शेयरिंग क्या होता है। नेक्स्ट, नाउ पोर्टल्स अलाउइंग नेटवर्क एंड रिमोट सिस्टम एक्सेस टू सेम रिसोर्स। पोर्टल्स अलाउ करते हैं कि नेटवर्क एंड रिमोट सिस्टम सेम रिसोर्स को एक्सेस कर ले। ठीक है, देन होम नेटवर्क्स में भी हमारे पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स यूज होते हैं। यहाँ पे होम नेटवर्क्स की अगर बात करें तो एक सिंगल सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं घरों में, उनकी बात की जा रही है। देन मोडेम्स यूज होती हैं आपके पास। नाउ फायरवॉल्ड नेटवर्क, और अब फायरवॉल्ड और नेटवर्क यूज होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिस्टम फॉर ईदर बैच और इंटरेक्टिव। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो टर्मिनल्स होते हैं ना, वो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं जो बैच प्रोवाइड करते हैं। बैच होता क्या है, आप मेरी बात को समझेंगे कि बैच कहते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ जॉब्स है। ठीक है, जॉब्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस। हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 15 जॉब्स हैं। ठीक है, उन 15 जॉब्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप को मैं बल्क का नाम देती हूँ, BULK बल्क। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 15 जॉब्स का एक बल्क है। ठीक है, अब वो जॉब्स वन बाय वन करके एग्जीक्यूट हो रही हैं और उसमें यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसमें प्री डिफाइंड इनपुट्स गिवन है, यूजर को इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यूजर कब इंटरेक्ट करता है? जब वो इनपुट देता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड इनपुट्स गिवन है, तो यूजर को जरूरत ही नहीं है कि वो इनपुट दे। तो इसमें यूजर की इंटरेक्शन ही नहीं होती, बस जॉब्स एग्जीक्यूट होती जाती है, होती जाती है। दैट इज कॉल्ड बैच सिस्टम। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव सिस्टम्स की बात हो रही है। इंटरेक्टिव सिस्टम्स वो होते हैं जिसमें यूजर को इनपुट देनी होती है, यूजर को इंटरेक्ट करना पड़ता है जॉब्स के साथ,
तो उसको हम इंटरेक्टिव सिस्टम्स कहेंगे। तो ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मल्टीपल यूजर्स शेयर टाइम ऑन दीज सिस्टम। ये पहले भी बात डिस्कस हुई है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं तो हर यूजर को एक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा जिसमें वो अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाएगा। जब उसका टाइम आउट हो जाएगा तो दूसरा यूजर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकेगा। तो हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक बेस्ट यूज हो रहा है इस तरह। इस स्लाइड में टाइम शेयरिंग सिस्टम को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको अभी तक टाइम शेयरिंग सिस्टम क्लियर नहीं हुआ था तो अब हो जाएगा। इसमें एक टाइमर होता है और स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज होते हैं ताकि मल्टीपल जॉब्स को स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जा सके बाय सीपीयू, गिविंग ईच यूजर अ शेयर ऑफ द रिसोर्स और हर यूजर वन बाय वन करके अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाए और रिसोर्सेज को यूज करे। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में आपके पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं और ये इंटरेक्टिव सिस्टम होता है। मल्टी यूजर्स के दरमियान टाइम शेयरिंग कैसे होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। मल्टी प्रोसेसर्स के दरमियान टाइम शेयरिंग कैसे होती है इसको हम सीपीयू स्केड्यूलिंग कहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं, वही सब कुछ है इसमें। यहाँ पे लाइन में आपको एक वर्ड नजर आ रहा है टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस यानी कि जो आप टाइम अलॉट करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, आप टाइम अलॉट करते हैं यूजर को, आप टाइम अलॉट करते हैं किसी प्रोसेस को, तो वो आपके पास आपका टाइम स्लाइस है और टास्क तब तक परफॉर्म होता है जब तक वो टाइम स्लाइस एंड नहीं हो जाता। जैसे ही आपका टाइम स्लाइस एंड हुआ यानी कि टाइम फिनिश हुआ तो आपका कंट्रोल दूसरी जॉब की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। ओके व्यूवर्स, अब कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को डिस्कस करते हैं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में ये होता है कि हमारे पास हर सिस्टम में एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर्स सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एंड सर्वर उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि कंप्यूटर सर्वर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू क्लाइंट टू रिक्वेस्ट सर्विसेज। तो सर्वर कंप्यूटर होता है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर को उन्होंने जिन सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट की होती है उनको फुलफिल करने के लिए। लाइक डेटाबेस, डेटाबेस मुख्तलिफ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। आपको पता है डेटाबेस ने कभी भी सर्विस ली नहीं है, सर्विस प्रोवाइड ही की है। इसी तरह अगर हम फाइल सर्वर की बात करें तो ये ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए कि क्लाइंट कंप्यूटर्स अपनी फाइल्स को स्टोर भी करवा सकते हैं एंड रिट्रीव भी करवा सकते हैं। स्लाइड पे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है उससे पहले डिफाइन कर लिया जाता है कि हमारे सिस्टम में कितने क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे, उनकी क्या वर्किंग होगी, इसी तरह सर्वर क्या वर्किंग परफॉर्म करेगा। तो ये बातें पहले ही डिफाइन कर ली जाती है ताकि उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर में, यानी कि हर नोड जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर भी बन सकता है एंड सर्वर कंप्यूटर भी बन सकता है या दोनों बन सकते हैं, राइट? तमाम नोड्स को जो पीयर टू पीयर मॉडल में होते हैं हम उन्हें पीयर्स कहते हैं। नोड मस्ट जॉइन पी टू पी नेटवर्क। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नोड मस्ट जॉइन पी टू पी नेटवर्क। कि जो नोड्स होते हैं यानी कि कंप्यूटर्स होते हैं हमारे सिस्टम में वो पी टू पी नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइन होते हैं। रजिस्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेटवर्क में एंड ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर सर्विस वाया डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब डिस्कवरी प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, मैं आपको डिस्कवरी प्रोटोकॉल समझाऊंगी तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आपने कंसीडर करना है कि आपके पास एक नोड है उसको सर्विस चाहिए, उसने सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर दिया कि मुझे ये वाली सर्विस चाहिए, वो सिग्नल तमाम नोड्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो गया। जिसके पास वो सर्विस होगी जो उस नोड को चाहिए वो
सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर देगा। जब वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसका ये मतलब है कि उसके पास वो सर्विस अवेलेबल है, यानी कि वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। तो इस तरह उस नोड को पता चल जाएगा कि इन इन नोड्स के पास मेरी रिक्वेस्टेड सर्विस मौजूद है, तो मैं इनसे अवेल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ऐसा पॉसिबल होता है डिस्कवरी प्रोटोकॉल के जरिए। तो अब इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर सर्विस वाया डिस्कवरी प्रोटोकॉल। कि जो रिक्वेस्ट होती है सर्विस के लिए वो पॉसिबल होती है डिस्कवरी प्रोटोकॉल से, और उस सर्विस को फिर रिस्पॉन्ड भी किया जाता है। राइट, यहाँ पे वही सारी डिटेल है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्लाइड्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।